आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का विरोध मुखर होता जा रहा है। गुरुवार को जहां राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के द्वारा जिला परिषद से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का विरोध करते हुए गैर आवासीय शिविर लगाने की मांग की गई। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा अजमेर और राजस्थान पाते वेतन वरिष्ठ अध्यापक प्रधानाध्यापक संघ ने संयुक्त रूप से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों ने देवनानी को नाक की संज्ञा देते हुए शिक्षक या सरकार सबको डसूंगा अब की बार का नारा देते हुए मुख्यमंत्री से देवनानी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग उठाई है। देवनानी से नाराज शिक्षकों का आरोप है कि देवनानी ने सरकार और आम जनता के करोड़ों रुपयों की बर्बादी की है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। नाराज शिक्षकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इस साल आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, उसका प्रदेश के सभी शिक्षक विरोध कर रहे हैं। 6 दिवसीय आवासीय शिविर का आयोजन शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, वह किसी भी सूरत में सही नहीं है। शिविर में शिक्षकों को लेकर जो बजट रखा गया है उसमें जो मूलभूत सुविधा है वो उपलब्ध होना भी संभव नहीं है। ऐसे में शिविर में महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग स्थानों पर रहने की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। वहीं गर्मी के मौसम में स्थान के अलावा ठंडा पानी, हवा और भोजन की व्यवस्था करने में इस बजट में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि राजस्थान शिक्षक संघ, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, राजस्थान पाते वेतन वरिष्ठ अध्यापक प्रधानाध्यापक संघ सहित अन्य संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने आज ये आंदोलन का बिगुल बजाया है और ये आवासीय शिविर जब तक इनका आदेश निरस्त नहीं होता हम इसका विरोध करते रहेंगे। हम प्रशिक्षण के विरोधी नहीं हैं, हम नवाचार के विरोधी नहीं हैं। प्रशिक्षण शिक्षक लेना चाहता है, नवाचारों को शिक्षा में उतारना चाहता है, परंतु कुछ अधिकारियों की हठधर्मिता से ये जो उटपटांग निर्णय शिक्षकों पर लाद दिए जाते हैं हम उनका विरोध करते हैं। इस परिस्थिति में आवासीय शिविर कते ही उचित नहीं है, इसलिए हमने आज इनका विरोध करते हुए ये रैली निकालकर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी को जिलाधीश महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज जिले के अंदर जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए हैं, एक एक स्थान पर 3-3 प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर दिए गए हैं। वहाँ 120 से 130 तक शिक्षक शिक्षिकाएँ ट्रेनिंग में होंगे। ऐसे में वहाँ पर उनके महिलाओं के स्नान घर के लिए, शौचालय के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है। अब इनको पूछो कि जब आप वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, किस प्रकार आवासीय शिविर करने का आप प्रयत्न करके और शिक्षकों को परेशान किया कर रहे हो। जिला अध्यक्ष बद्री प्रसाद शर्मा ने तो सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि अभी भी समय रहते इनकी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो इस बार शिक्षकों की हड़ताल तय है और प्रदेश का शिक्षक इस बार सड़कों पर उतर कर सरकार की नींद हराम कर देगा। आज हमारी प्रमुख मांग माननीय शिक्षा मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, इसका कारण अब सर्वत्र विदित है। सरकार को इस आदमी ने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। आपने देखा होगा शिक्षकों के लिए एक आवासीय शिविर का लगाने का एक फरमान जारी किया है, जबकि एक बड़ी दुर्भाग्य की घटना है कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुनता है, जिसके नाम एक गंगवार है, पता नहीं गंवार है क्या है। आपको मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार की क्या दुर्भाग्य की स्थिति है, एक मंत्री के आदेश को एक सेक्रेटरी नहीं मानता है। या तो सेक्रेटरी हटे या मंत्री हटे, या मुख्यमंत्री को सोचने की बात है। मैं आप सभी जनता के सामने ये बात सवाल बार बार करना चाहता हूँ, आखिर ये सरकार इस शिक्षा को बर्बाद करने पर क्यों तुली है। आपने देखा होगा जिस प्रशिक्षण के नाम पर ये सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं, और ये सरकार जो करना चाहती है ये करोड़ों रुपए बर्बाद इसलिए कर रही है कि हमारे सारे शिक्षक छात्री बीएड और बीएसटीसी आईटीआई सारे सब लोग अपने ट्रेन टीचर हैं उनको वापस से ट्रेन कर रहे हैं, जबकि ये पैसे की बर्बादी और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इस तपती धूप में 45-47 डिग्री तापमान के अंदर हमारी शिक्षक बहनों को रात में रुकने के लिए सरकार मजबूर करी है, जबकि इनके अंदर माननीय न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि ये इनको महिलाओं को इनकी पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, जबकि लैट्रिन बाथरूम तक की सुविधा जहाँ ये शिविर लगाए जा रहे हैं उन विद्यालयों में लैट्रिन बाथरूम तक की सुविधा महिलाओं के लिए अलग से नहीं है। ये सर क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि ये शिविरों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अगर ये आवासीय शिविरों को सरकार बंद नहीं करती है, मैं महासंघ की तरफ से ये सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये बहुत जल्दी सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और हम सड़कों पर होंगे और निश्चित तौर पर हड़ताल तय है और इस सरकार की हम इस बार 12 बजे के जोड़े में कोई दौरा नाम बहिष्कार।
पूरी तरह से मुख दर्शक बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं वो। एक शिक्षा विभाग का मुखिया ये कहे कि मैं सहमत हूँ आपकी मांग से, लेकिन गंगवार मेरी बात नहीं मान रहा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं हो सकती कि मंत्री रहने लायक नहीं है, उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। श्री नरेश पाल गंगवार ने पहले भी हमारे साथ पाते वेतन साथियों के साथ धोखा किया है और हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें 8 साल की सेवा करने के बाद भी हमें रिवर्ट किया गया। इसके अलावा जो अभी आवासीय शिविर जो लगाए जा रहे हैं 45 डिग्री टेम्परेचर में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्कूलों के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि 24 घंटे वहाँ रहा जा सके, और ये किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इन शिविरों को पूरी तरह से निरस्त करके गैर आवासीय शिविर जैसे पूर्व की तरह चलते थे 8 से 2 बजे तक के, वही रखे जाएं।